पहिरीली जब मारे तू मुस्किया धानी सरिया भूलुकिया धानी। जब से प्रिया सुहानी वायरल हुई है तब से लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या प्रिया सुहानी पवन सिंह के गाने पर ठुमका लगाएंगे या दूसरा सोम्या पोखरेल बन जाएंगे और बोल देंगे कि पवन सिंह कौन है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने इनको ऐसा समझाया कि प्रिया सुहानी अब भोजपुरी के हर स्टारों के गाने पर जो की रील बना रही है। जी आप लोग खेसारी लाल यादव का वीडियो देखिए। गाने आपने किया है कर ओके कोई बात नहीं, लेकिन अब जो करना है इसमें बेहतर करना है, बेहतर लोगों के साथ करना है, ठीक है, अच्छे लेवल और अच्छे लेवल पे करना है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खेसारी लाल यादव ने समझाया कि आपके पास मीडिया के भी कई लोग जा रहे हैं और कई छोटे बड़े कलाकार भी आपके यहाँ जा रहे हैं और आपसे न जाने किस टाइप से गाना करवा रहे हैं, लो बजट का गाना करवा रहे हैं। आप ज्यादा अपने आप को एक्सपोज मत कीजिए, ज्यादा अपने आप को कैमरा के सामने मत लाइए। अब आप जो भी रील बनाएंगी, अब जो भी आप काम करेंगी, जिसका क्वालिटी अच्छा हो, जिसका लेवल अच्छा हो और अच्छे अच्छे लोगों के साथ जो कि आपको काम करना है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव दोबारा वीडियो कॉल करके इस लड़की को समझाए। खेसारी लाल यादव पहली बार इस लड़की के पास वीडियो किए थे और बोले थे कि मैं अपने गाने में आपको काम दूंगा, वो भी वीडियो आप लोग देखिए। डांसर हो, बहुत अच्छी कलाकार हो बेटा, हम आपके साथ एक गाना करेंगे, इसी गाने को करेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि खेसारी लाल यादव वादा किए कि मैं अपने गाने में आपको काम दूंगा, उसके बाद दोबारा जो कि वीडियो कॉल जो कि खेसारी लाल यादव किए और प्रिया सुहानी को समझाए कि आप मीडिया के सामने ज्यादा मत आइए। जी हाँ, लो बजट का या फालतू फालतू गाना मत कीजिए, जो भी आप रील बना रही है वो भी अच्छे अच्छे गानों पर रील बनाइए, लोग आपकी कला को देखकर आपके फैन हो जाए, ना कि आपको ट्रोल करें। कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव को इस बात का डर था कि इस लड़की से भी कुछ ऐसा ना कहा जाए कि स्टार बनने से पहले ही लोग इसे ट्रोल करने लगे, जैसा सोम्या पोखरेल के साथ हुआ था। सोम्या पोखरेल ने कह दिया था कि ये पवन सिंह कौन है, तो खेसारी लाल यादव ने इस लड़की को खूब समझाया। और ऐसा बहुत कम सुपरस्टार होते हैं जो लोगों को वीडियो कॉल करके समझाते हैं, तो खेसारी लाल यादव ने एक बड़ा कदम उठाया है और इस लड़की को सुपरस्टार बनाने के चक्कर में जो कि खेसारी लाल यादव लग गए हैं। तो खेसारी लाल यादव के इस विचार के बारे में, इस सोच के बारे में आप लोगों का क्या है कहना, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रिया सुहानी का जो डांस आप लोगों ने देखा खेसारी लाल यादव के गाने पर, पवन सिंह के गाने पर, आप लोगों को कैसा लगा, अपना राय जरूर ही कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या पवन सिंह को भी अपने गाने में प्रिया सुहानी को काम करवाना चाहिए नहीं, ये भी अपना राय बता सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। मिलते हैं वीडियो में एक नया न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।